हेलो एवरीवन, मैं पूनम सिंह। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पॉलीमर क्ले से बने हुए इयररिंग। इससे हम बटन भी बना सकते हैं और छोटा मोटा कोई टॉय भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊँगी इयररिंग। तो ये हमको मार्केट में मिलता है पैकेट पॉलीमर क्ले का। इसमें 10 पीस हैं डिफरेंट कलर का। कुछ मैंने यूज़ कर लिया है और मेरे को ये कलर पसंद आया, मैं इससे बनाऊंगी। ये इसको मैं हाफ कट कर लूँगी क्योंकि मुझे इयररिंग बनाने हैं तो मुझे दो बनाने हैं पेयर बनाने के लिए। ये इतना इजी है कि इसको कोई बच्चा भी बना सकता है। ये देखिए, इसको मैंने हाथ से शेप देने की कोशिश की है और हाथ से ही इसकी, और आपके पास अगर कोई मोल्ड है तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोल्ड ही है, मैं हाथ से ही इसको बनाऊंगी। ये मैंने इसको चकोर कर लिया है। इसको जैसा आपको बनाना हो वैसा शेप दे सकते हो, लेकिन मैं एक ही ये डिज़ाइन बना रही हूँ। मेरा चैनल आपको कैसा लगता है प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आपको लगता है कि मेरे को कुछ सिखाना चाहिए जो आपको पसंद हो, वो भी मैं आपको सिखा सकती हूँ, आप मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट करके। ये मैंने चौकोर किया था। ये पैन का ढक्कन मैंने लिया है, इससे मैं इसमें बीच में एक छेद कर दूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखिए, ऐसे ही मैं दोनों में कर दूँगी। ये मैंने सुई ली है जो हम ऑर्डिनरी सुई घर में यूज़ करते हैं इसमें छेद करने के लिए, जिससे इसको हैंग करने के लिए हम इसमें रिंग डाल सकें। इसको हम पहले ही छेद कर लेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा, फिर इसमें छेद नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको पहले ही छेद करना है इसमें। अभी ये सॉफ्ट है और ये ऐसे नहीं सूखेगी। आपको इसको क्ले जो है, ऐसे एयर ड्राई क्ले नहीं है ये, ये आपको माइक्रोवेव में इसको माइक्रोवेव करना पड़ेगा। ये मैंने छेद कर लिया है रिंग डालने के लिए। ये माइक्रोवेव में मैं इसको करीब 3 मिनट के लिए, आप इसको बीच में खोल के भी देखते रहें। मैंने एक कांच की प्लेट ली है और उसमें इसको रखा था और ये अभी माइक्रोवेव हो चुका है और मैंने इसको रिंग डाल के तैयार कर दिया है। थैंक यू।